मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे, प्लीज। मेरे पिताजी पर निबंध सुनाओ। अरे मैंने सच्ची दोस्त पे निबंध तैयार किया है, बस दोस्त की जगह बाप लगा दे। जीवन में मेरे बहुत सारे बाप हैं। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथी जाने कहां देखे से फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है। अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए
हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है।
उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में
माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है।
उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकियों द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है, और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है। मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकियों द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है।
एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक
लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे।
वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है, और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है। मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है।
सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्य में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले
या जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथी जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टुट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है। अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है। वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथी जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टुट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है।
अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लवरंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लवरंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लवरंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लवरंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है, और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लवरंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लवरंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए
हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखें इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है, और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है। मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है।
उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसे क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में
माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है।
उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है।
एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यह जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक
लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसे क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे।
वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है। मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है।
सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले
या जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथी जाने कहां देखी इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टूटी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है। अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है। वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले या जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी। साथी जाने कहां देखी इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है। यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टूटी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है।
अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लवरंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लवरंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसे क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है, और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लवरंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लवरंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लवरंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लवरंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए
हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्य में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है।
उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में
माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते है। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है।
उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकियों द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसे क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिटू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है। और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टी की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरीखा दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार हैं। वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकियों द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसे क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है।
एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वो उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वो एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वो इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसे हो सकती है? अब वो नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वो स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े है। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते है। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है, मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है। और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है, मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े है। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यारू में जैसे गाने अच्छे बन पड़े है। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो। कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीटी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का पूरा रिव्यू और फिल्म की कहानी, साथ ही जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। दोस्ती और लड़की में हमेशा जीत लड़की की होती है, यह कहावत प्यार और दोस्ती के टकराव के लिए आम है और इसी पंचलाइन पर लेखक निर्देशन लव रंजन ने अपनी नई फिल्म सोनू की टिट्टू की स्वीट की कहानी बुनी है। प्यार का पंचनामा सीरीज के लिए मशहूर रहे लेखक निर्देशक
लव रंजन ने इस बार रोमांस और ब्रोमांस के बीच टक्कर को तरजीह दी है। टिट्टू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन हर बार गलत लड़की के चक्कर में पड़कर उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटने पर उसका बचपन का भाई सरी का दोस्त सोनू न केवल उसे रोने के लिए कंधा देता है, बल्कि उसे गलत लड़की के चुंगुल से बचाता भी है। 13 साल की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद सोनू की टिट्टू के परिवार ने ही पाला है और वह उसी परिवार को अपना परिवार समझता है। इस परिवार में दादा घसीटे, दादी, मम्मी, पापा और मामा है। ये सभी सदस्य सोनू को अपने बेटे और वारिस की तरह ही प्यार करते हैं। लव और ब्रेकअप की झंझट से तंग आकर आखिरकार टिट्टू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी का रिश्ता आता है। टिट्टू और पूरे परिवार को स्वीटी शादी के लिए आदर्श और परफेक्ट लड़की लगती है, मगर बचपन से ही टिट्टू के संरक्षण का रोल निभाने वाले सोनू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वीटी एक परफेक्ट लड़की है, वह एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है और परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। वह इतनी अच्छी और परफेक्ट कैसी हो सकती है? अब वह नहीं चाहता कि टिट्टू स्वीटी से शादी करे। वह स्वीटी को गलत और झूठी साबित करने की तमाम तिकड़ में लड़ाता है। स्वीटी भी सोनू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मगर क्या स्वीटी वाकई झूठी और बुरी लड़की है? क्या वाकई दोस्ती और लड़की में स्वीटी की जीत होगी? यह देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अपनी पिछली फिल्मों की तरह लव रंजन ने यहाँ भी कॉमेडी के फ्लेवर को बनाए रखा है। उनके संवादों का चुलबुलापन कई दृश्यों में हंसाता है और वह मनोरंजक बन पड़े हैं। कहानी में जोड़े गए किरदार बड़े मजेदार है, वे दर्शक को जोड़े रखते हैं। आमतौर पर उनकी फिल्में पुरुष के नजरिए से होती है। उनकी फिल्मों में नायक नायिकाओं द्वारा सताए हुए होते हैं और नायक बेचारा होता है। इस बार भी लव रंजन ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हीरोइन को परंपरावादी नायिका से हटकर अपनी चिरपरिचित शैली में दर्शाया है, जहां वह एक से बढ़कर एक दाव आजमाती है। मगर उसके चरित्र चित्रण में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि वह कैसी क्यों है, और यह बात आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी खटकती है। मगर निर्देशक ने इस बात की कतई परवाह नहीं की है। सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन और टिट्टू की भूमिका में सनी सिंह का ब्रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म का मजबूत पहलू है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी है। उन दोनों की टशनबाजी के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में भी आगे रही है। भोले भाले टिट्टू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए हैं। वीरेंद्र सक्सेना, दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खास स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूं मैं जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी देखने लायक है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो